पॉटर ने बनू वीडियो लेट हो गया। मुझे लगा था जल्दी कर लेंगे बट एक घंटा आज लेट हुआ। तो उसको तो था कलरफुल पेन है, रेड ग्रीन येलो, तो मस्त लगता है खाने में। पॉटर ने बनू वीडियो मेरी मर्जी। तेरा को तो थप्पड़ लगा काय थप्पड़ लगाएगी, लड़की बहुत चालू है। तो थप्पड़ लगाएगी तो दर्द भी नहीं होगा। मैंने मम्मी को बोलूंगा एक थप्पड़ लगाए। गुड मॉर्निंग बोल दे बन्नू। गुड मॉर्निंग मम्मी, तू बोलना क्यों? ए मेरे को शर्म आता है। काहे शर्म आता है? मम्मी मैं नहाई नहीं ना, गंदी हो गई। अरे रे रे, अब फिर से नहाएगी तू? आया कब? मैं कल नहा रहे, कल मंगलवार है। अच्छा मंगलवार को नहाती है? क्यों करती हूँ ना। ओ, कौन सा पूजा करती है बन्नी? तेरे को काय पंचायत हो रहे है, मैं कौन सी पूजा करने से। ठीक करो तुम पूजा। लड़की कुछ नहीं करती, डेली अंडा खाती। क्या खाती हूँ? चिकन खाती है तू। कहाँ से चिकन खाती हूँ जरा बोलना तो। नौटंकी मतलब कुछ भी बोलते हैं। मम्मी ये कुछ नहीं पूजा पाठ करेगी। तो ये नवरात्रि के टाइम पे आई थी ना? ये नवरात्रि नहीं, तो मतलब वो वाला नवरात्रि। हाँ बट कोई नहीं, मम्मी ये भूल जाती है। हाँ तो ठीक है ना, एक ही तो बात है, नवरात्रि पे आए थे बट 6 महीने, नहीं 6 महीने से ज्यादा हो गए। अक्टूबर में नवरात्रि, मेरा बर्थडे है ना अक्टूबर में, सब हम अक्टूबर में है मम्मी हम लोग। सारे अक्टूबर वाले हैं हम लोग। दीदी निक्की दीदी, ये लड़की मोती दीदी और मैं। हाँ बर्थडे नहीं बनेगा बनू तेरा। क्यों नहीं? मम्मी के रख लगा हैप्पी बर्थडे बनू। अच्छा मेरी मम्मी गिफ्ट देगी। क्या गिफ्ट देगी? नया ड्रेस बनाएगी। अच्छा अभी से डिमांड। ओके ओके। मेरा वीडियो कर रहा है? करूंगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह सुबह मेरा रूटीन तो रहता है, सुबह ऊपर जाती हूँ छत के ऊपर, फिर वहाँ से आने के बाद फिर ग्रीन टी ने तो जो नींबू और पानी पीती हूँ, तो फिर डिपेंड करता है कब मेरा मूड के हिसाब से वो करती हूँ। एंड फिर उसके बाद जो घर का काम साफ़ सफाई वगैरह होता है वो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। एंड फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाना रहता है, एंड फिर जो छोटा मोटा काम है वो रहता है, एंड ऊपर से आज थोड़ा सा बाहर जाना है तो इसे थोड़ा सा जल्दी निपटा रही थी ताकि थोड़ा सा जल्दी ऑफिस का काम भी मैं लग जाके थोड़ा सा काम कर लूँ। एंड फिर उसके बाद चले ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं, आप लोग देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स एंड यस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। एंड यस आज तो पता ही चल ही गया होगा कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। तो यस हो गया सारा काम पासपोर्ट का एंड आई एम ऑल अलोन। मम पापा नहीं है, पापा आए हुए थे मेरे साथ बट कुछ काम से वो रह गए, मतलब वो स्कूटी लेके आए हुए थे, वो अपना ऑफिशियल काम करके चले गए हैं। एंड हम चल रहे हैं अभी घर, तो घर चल के फिर मैं आप लोगों के साथ मैं बात करती हूँ। बाय बाय। हेलो
फ्रेंड्स घर आ चुकी हूँ मैं और बहुत गर्मी है। वैसे कार में तो आई हूँ बट स्टिल बहुत गर्मी है। और यहाँ पे फ्रेश क्या हूँ, आते ही सीधा मैं अपने लैपटॉप पे टूट पड़ी, फिर देखा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। एंड यस, ये रहा आज का खाना, चावल दाल भिंडी की मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, भजा बोलते हैं इसको। और यहाँ पे टमाटो खट्टा हुआ है तो यस खाती हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। और कितने बज रहे हैं अभी, 4:15 हो रहा है, 4:15 बज रहे हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे लगा था जल्दी कर लेंगे बट एक घंटा आज लेट हुआ तो उसको वजह से मैं खा के नहीं गई थी। मैंने सोचा था आके 3 o'clock ऐसे आ जाऊंगी और काम पूरा हो जाएगा तो आके खा लूँगी, वैसे भूख नहीं लग रही थी। तो फिर उसके बाद फिर आज मैंने देखा कि बहुत लेट हो गया तो बहुत जोर से भूख लग रही है, मैं खाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden. Shows if I'm honest, you're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love. Hello friends, good morning. एंड यस यहाँ पे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट में सोचो सूजी का चीला बनाओ। एंड वैसे भी आज मम्मी खाएगी नहीं क्योंकि आज ट्यूसडे है तो फिर मम्मी का आज व्रत है। जैसे हमारे उड़ीसा में चैत्र मंगलवार बोलते हैं वो है तो वो करेगी तो इसलिए शायद से नहीं खाएगी। एंड शायद से क्या वो नहीं खाएगी, फ्रूट्स व्रूट्स खाएगी। तो दादी और मेरे लिए चीला ही बना देती हूँ सूजी का, तो वही सोच रही बनाती हूँ। और इसमें ये सारे वेजेस डालते हैं ना तो मस्त लगता है, स्पेशली जो कैप्सिकम्स होते हैं, फिर कड़ी पत्ता नहीं है, मैं तो हर जब भी मैं बनाती हूँ ना कड़ी पत्ता ख़त्म ही हो जाता है बट कोई ना। और मिर्ची डाला है एंड थोड़ा सा रेड और जो बेल पेपर्स हैं वो डाला है एंड अभी थोड़ा सा कॉर्न ऐड करूँगी। थोड़ा सा कलरफुल दिखता है ना, रेड ग्रीन येलो, तो मस्त लगता है खाने में भी, तो इसलिए। और सारा का वेजेस भी सब कुछ, विटामिन भी सब कुछ मिल जाएगा। और ये रहा गर्मा गर्म पड्डू, कुछ और बनाने वाली चीला बनाने वाली थी बट ये बन गया, कोई ना मन कर रहा था। और यहाँ पूजा का फूल, मम्मी पूजा कर रही है, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, और हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है और आप देख सकते हो कि लैपटॉप के सामने बैठ चुकी हूँ क्योंकि अभी स्टार्ट करूँगी काम करना। एंड यस बहुत गर्मी नहीं मतलब कि होने स्टार्ट हो चुका है थोड़ी बहुत, मतलब कि उतना ज़्यादा गर्मी स्टार्ट नहीं हुआ बट होने लग, मतलब फ़ैन के बिना नहीं रहा जा रहा बट हवा बहुत तेज़ हो रही है तो फिर खोल के भी नहीं रख सकती क्योंकि पूरा धूल मिट्टी हो जाता है तो उसके वजह से और एक दूसरा प्रॉब्लम होता है। बट क्या करें, बंद करके रखना पड़ता है। बस रात के टाइम पे खोल देती हूँ क्योंकि रात में थोड़ा सा बंद रहता है ना तो गर्मी लगने लगती है, तो खोलने से ना थोड़ा सा अच्छा लगता है। अभी खोलूँगी तो थोड़ा सा गर्म हवा भी लगता है तो इसलिए। बट एनीवेज जो भी हो,
ऐसा ही है इस मतलब कि इस सीज़न में ऐसे ही बहुत ज़्यादा हवा होती है यहाँ पे। एंड तो फिर चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिविटी रखिए। कल मिलते हैं, बाय बाय।